हेलो नमस्कार किसान भाइयों, जब आपकी धान में बाली निकलकर 50% से ज्यादा पक चुका हो, यानी 15 से 20 दिन के अंदर संपूर्ण पक जाए और काटने लायक हो जाए, उस अवस्था में अगर आपका धान है तो उस अवस्था में आपको एक स्प्रे जरूर से करना है। कौन सा स्प्रे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, जब आपकी धान निकलकर 50% से ज्यादा पक चुका हो, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर संपूर्ण धान क्या है पककर काटने लायक बन जाए, उस अवस्था में अगर आपका धान है तो उस अवस्था में आप अपने धान के फसल में BPH, जिसे हम भूरा माहू कहते हैं और इंग्लिश में हम ब्लैक हॉपर के नाम से भी जानते हैं, तो भूरा माहू का जो दवाई है उसे एक बार अपने फसल में स्प्रे जरूर से कर ले। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर इस अवस्था में हमारे धान के फसल में अगर भूरा माहू का अटैक हो जाता है तो क्या है, भूरा माहू रातों रात हमारे धान के फसल के जितने भी रस है वो चूस देती है, जिससे क्या है बचा हुआ जो धान के जो बाली में दूध भरा हुआ है वो रुक जाती है, हमारा धान क्या है भूसा हो जाती है और हमारे धान में 50% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, आप ध्यान रखिए, अगर आपके खेत में अगर भूरा माहू का अटैक नहीं भी है और फिर भी आप क्या कीजिए, भूरा माहू का जो दवाई का स्प्रे जरूर से अपने खेत में लगा दे। अब बात करते हैं कि भूरा माहू के लिए आप कौन सा दवाई का प्रयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, भूरा माहू को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कीजिए, पाइमेट्रोजिन 50% WP का प्रति एकड़ 100 ग्राम के दर से अगर स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में अगर भूरा माहू का अटैक भी हुआ होगा वो भी कंट्रोल हो जाए और आपका जो फसल में भूरा माहू नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाया हूँ। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।